Hello students, welcome to this video lecture on spillways. In this video we will discuss components of spillways. The different components of spillway, these are of four types: control structure, convoy structure, terminal structure and entrance and exit channels. So let's first discuss approach channels. तो जैसे ये पिक्चर से दिखाई दे रहा है तो this is our spillway. This is spillway. एक पर्टिकुलर वाटर लेवल से जैसे पानी ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से इसको ओवरफ्लो होना है. लेकिन अगर ये साइड पे है या ज़रूरत पड़ती है तो we have to provide some approach channel. कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये अप्रोच चैनल हो जाती है एंड दिस इज द डिस्चार्ज चैनल और यहां पे नीचे जाके हम लोग एग्जिट चैनल देते हैं. तो अप्रोच चैनल जो उसको रास्ता दे रहा है टू ओवरफ्लो द स्पिलवेज, अप्रोच चैनल. सो होता क्या है अप्रोच चैनल? इट्स एन एंट्रेंस स्ट्रक्चर और द पाथ टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर एंड कन्वेट टू द कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जो हमारा अप्रोच चैनल है, ये एंट्रेंस स्ट्रक्चर होता है या पाथ टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर है जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर को अप्रोच करता है. इट मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड इन प्लान. अगर हम इसका प्लान बनाएंगे तो ये उसमें स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है, कर्व पाथ भी हो सकता है. इट्स बैंक्स, जो इसके किनारे हैं जिसमें से पानी होकर के स्पिलवे को जा रहा है, इट्स बैंक्स जो इसके किनारे हैं कैन बी, वो दोनों पैरेलल, दोज कैन बी पैरेलल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. जो बैंक्स हैं वो आपस में समानांतर भी हो सकते हैं, वो एक एक किनारे कन्वर्जेंट भी हो सकते हैं, आपस में मिलते हुए भी हो सकते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हुए भी हो सकते हैं, या इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टोपोग्राफिकल और जियोग्राफिकल जो लोकेशन वहाँ पे है. इट मे इंश्योर मिनिमम हेड लॉस थ्रू द चैनल एंड टू ऑब्टेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्लो ओवर द कंट्रोल स्ट्रक्चर. जो अप्रोच चैनल है उसके अप्रोच, उसका जो करेक्ट, उसको इंश्योर करना है कि मिनिमम ऑफ हेड लॉस हो, ज़्यादा हेड लॉस नहीं होना चाहिए होता है. जितना हमें वाटर हेड मिलेगा उतनी दूर तक पानी जा पाएगा, उतना ज़्यादा वाइड एरिया हम इरिगेशन या फॉर अदर पर्पजेज हमको उसकी अप्रोच बन जाती है. जो पानी की हमें मिनिमम जो हेड लॉस चाहिए होता है ऐसा हमें डिज़ाइन करना है और यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्लो जो है वो मेनटेन होनी चाहिए. दिस शुड बी द डिज़ाइन पर्पज ऑफ द अप्रोच चैनल. सो दोबारा से पिक्चर दिखा रहे हैं, अप्रोच चैनल, ठीक है, रिजर्वायर, अप्रोच चैनल, दिस इज आर स्पिलवे और जो नीचे इसका एग्जिट और अप जो डिस्चार्ज चैनल, ये डिस्चार्ज चैनल, नीचे जो इसका एग्जिट वगैरह है सब. नेक्स्ट कम्स द कंट्रोल स्ट्रक्चर, इज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द स्पिलवे, कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है इस पे हमने ये ब्रिज बनाया, देखो ब्रिज, पियर्स और जो गेट्स, गेट्स को, गेट्स बहुत हैवी हो जाते हैं, सो वी हैव टू रेस्ट द गेट्स टू फॉर सपोर्ट, टू प्रोवाइड द सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द गेट्स वी हैव टू प्रोवाइड दीज पियर्स. और जब पियर्स बन गए हैं, गेट्स लग गए हैं, तो वी कैन ईजिली प्रोवाइड ब्रिज वे, ठीक है. अदरवाइज जो ब्रिज की अदरवाइज बहुत कॉस्ट हो जाती है, तो ये उसका एडिशनल एडवांटेज हो जाता है गेट्स वियर प्रोवाइड करने का. कंट्रोल स्ट्रक्चर, लेट्स सी व्हाट इट इज. इट्स अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द स्पिलवे प्रोवाइडेड विद ब्रिज एंड गेट्स. जो स्पिलवे का ये मेजर कंपोनेंट है और इसमें ब्रिज और गेट्स जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाते हैं, ये इसको हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं. रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द सरप्लस वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर. रिजर्वायर का जो सरप्लस वाटर होता है उसको स्पिल ओवर करना होता है, लेकिन ये उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है कितनी क्वांटिटी, किस स्पीड से, कैसे, कब जो है पानी को रिलीज करना है या स्टोर करना है, रादर देन के पानी ऑन इट्स ओन खुद
overflow करे, we can have human control on that. It does not allow discharge of water below the fixed reservoir level. तो जो control structure हमने बनाया, जो gating की है, जो gates बनाए हमने, तो वो ऐसा रहेगा कि एक फिक्स्ड लेवल से कम पे वो पानी रिलीज नहीं करेगा. एक पर्टिकुलर लेवल से जो हाईएस्ट फुल रिजर्वर लेवल रहेगा उससे ऊपर अगर पानी हो जाता है तो उसी को ये डिस्चार्ज करेगा, ओवरफ्लो करेगा. इट इज़ यूजली लोकेटेड एट द अपस्ट्रीम एंड ऑफ द स्पिलवे. यूजली आमतौर पे जो गेट्स है, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, वो अपस्ट्रीम एंड पे होता है, उसके अपर एंड पे होता है, स्पिलवे के अपस्ट्रीम साइड पे. एंड कंसिस्ट ऑफ सम फॉर्म्स ऑफ ओवरफ्लो क्रेस्ट. इसके ऊपर एक ओवरफ्लो क्रेस्ट जो बन जाता है. इन सम केसेस हाउएवर द कंट्रोल मे बी एट द डाउनस्ट्रीम एंड ऑल्सो. तो कभी जो गेट्स जो हैं, जो गेट है या कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जिस स्पिलवे के डाउनस्ट्रीम एंड पे भी हो सकता है. क्या आप सोच सकते हैं कि किस टाइप ऑफ स्पिलवे पे, बॉटम पे, डाउनस्ट्रीम एंड पे गेट होगा, ना कि अपस्ट्रीम एंड पे होगा. लेट्स सी. एग्जाम्पल इज अ मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे. जो हमारा शाफ्ट में पानी जाएगा उसको जो कंट्रोल करना है, उसका जो गेट है द डाउनस्ट्रीम टनल रादर देन द क्रेस्ट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द हायर हेड्स. तो जो हमारा मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे है, जो शाफ्ट स्पिलवे है हमारा, तो उसमें जो गेट्स हैं वो डाउनस्ट्रीम एंड पे होते हैं पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए. इन प्लान द ओवरफ्लो क्रेस्ट कैन बी स्ट्रेट, कर्व्ड, यू शेप्ड, सेमी सर्कुलर और सर्कुलर. प्लान में जो इसका जो लाइनिंग बनेगी कंट्रोल स्ट्रक्चर की, ये यूजली स्ट्रेट होता है, बट इट कैन बी कर्व्ड और इट कैन बी यू शेप्ड, इट कैन बी सेमी सर्कुलर, सर्कुलर, कोई भी शेप हो सकती होती है इसकी. द क्रेस्ट कैन बी शार्प, ब्रॉड, ओजी शेप्ड और ऑफ एनी अदर क्रॉस सेक्शन. द क्रेस्ट है वो किसी भी शेप का हो सकता है, उसको बहुत ये शार्प पतला भी हो सकता है, उसकी विड्थ हो सकती है ओजी शेप का हो सकता है, तो ऐसे ही डिफरेंट शेप्स, उसकी कोई भी क्रॉस सेक्शन शेप हो सकती है जो. तो ये हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ठीक है. ये स्ट्रेट है, ये ब्रिज प्रोवाइड किया है, पियर्स, गेट्स. डिस्चार्ज कैरियर, इट इज़ द वाटरवे प्रोवाइडेड टू कन्वे द फ्लो रिलीज्ड फ्रॉम द कंट्रोल स्ट्रक्चर टू द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द स्पिलवे. जो डिस्चार्ज स्ट्रक्चर है, जो अपना डिस्चार्ज चैनल है, जो डिस्चार्ज कैरियर है हमारा, ये एक वाटरवे है, वाटरवे सिंपली. और जो है, जो रिलीज है, फ्लो है, वो कंट्रोल स्ट्रक्चर से लेकर के नीचे डाउनस्ट्रीम साइड पे लेके जाता है. द प्रोफाइल में भी वेरिएबली फ्लैट और स्टीप. इसका जो प्रोफाइल है, जो इसका स्लोप भी हो सकता है, हाई स्लोप मींस स्टीप भी हो सकता है. क्रॉस सेक्शन में भी वेरिएबली रेक्टेंगुलर. इसका जो क्रॉस सेक्शन है डिस्चार्ज करियर का, ये यूजली रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, बट इट कैन बी ट्रेपेजॉइडल, सर्कुलर और एनी अदर शेप. एंड द वाटरवे में भी वाइड और नैरो और लॉन्ग और शॉर्ट. तो वाइड, नैरो, लॉन्ग, शॉर्ट कुछ भी हो सकता है. प्रोवाइडेड टू कन्वे द वाटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डिस्चार्ज कैरियर टू द डाउनस्ट्रीम फ्लोइंग रिवर. इट मे बी द डाउनस्ट्रीम फेस ऑफ द स्पिलवे इटसेल्फ. द विड्थ ऑफ डिस्चार्ज चैनल डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी कन्वेड. जो डिस्चार्ज चैनल की विड्थ है, कितना पानी इसको डिस्चार्ज करना है, उस पर डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, ठीक. The outflow released through the control structure is usually conveyed to the downstream river channel through a discharge channel or waterway. तो वही इसकी डेफिनेशन दोबारा से दे रहा है कि जो कंट्रोल स्ट्रक्चर से आउटफ्लो होता है वो डाउनस्ट्रीम जो रिवर है उसके साथ कैसे मिलता है वो ओवरफ्लो, थ्रू द डिस्चार्ज चैनल या डिस्चार्ज कैरियर या डिस्चार्ज चैनल. और ये वाटरवे हमने बोला है, इट्स अ वाटरवे. द स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्चार्ज कैरियर मे बी डाउनस्ट्रीम फेस ऑफ द कंक्रीट डैम एंड ओपन एक्सकैवेटर थ्रू एन अबटमेंट. तो ये जो डिस्चार्ज कैरियर है, ये कंक्रीट डैम की जो डाउनस्ट्रीम फेस है,
उसके साथ वही उसका फेस भी हो सकता है, मैं उसी में फ्लैंक्स बनाए हैं, उसमें से पानी नीचे जा रहा है जैसे कि शूट स्पिल हुए था, तो ये उसी को तो बता रहा है ना ये डिस्चार्ज करिए। तो सिमिलरली ये जो उसके बैंक है उसमें से एक्सकवेशन भी हो सकती है, वहाँ से भी पानी जो नीचे अबटमेंट में से एक्सकवेट करके वहाँ से इसको रास्ता दिया जा सकता है डिस्चार्ज कैरियर को। द डायमेंशन ऑफ द डिस्चार्ज कैरियर आर प्राइमरीली गवर्न्ड बाय हाइड्रोलिक रिक्वायरमेंट्स बिसाइड्स जियोलॉजिकल एंड टॉपोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइट विच इन्फ्लुएंस द प्रोफाइल शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन विड्थ लेंथ एटसेट्रा। सो कहने का मतलब क्या हुआ, डिस्चार्ज कैरियर के जो डायमेंशंस हैं किस पर डिपेंड करते हैं, हाइड्रोलिक रिक्वायरमेंट। हाइड्रोलिक रिक्वायरमेंट क्या हुई, मतलब के अमाउंट ऑफ वाटर टू बी डिस्चार्ज, जो कि जितना पानी हमें रिलीज करना है, जो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा कि इसका साइज क्या होना है। और साइज हमें तो चाहिए ज़्यादा या कम, लेकिन उस साइट पे जियोलॉजिकल और टॉपोग्राफिक जो उसका एरिया की फीचर्स हैं, जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, टॉपोग्राफिकल फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि हम कितनी क्या क्रॉस सेक्शन का साइज शेप लेंथ ब्रेथ जो भी हम लोग कितना दे पाएंगे, कितना दे सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लोकल कंडीशंस। तो यही दोबारा से पिक्चर डिस्चार्ज करियर की, वी कैन वेरी वेल इमेजिन व्हाट एग्जैक्टली द डिस्चार्ज करियर इज। एंड फाइनल द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ स्पिलवेज टर्मिनल स्ट्रक्चर। व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम द रिजर्वर लेवल टू द डाउनस्ट्रीम रिवर लेवल द स्टैटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू काइनेटिक एनर्जी विच इफ नॉट प्रॉपरली डिसिपेटेड मे कॉज एनफ स्काउर नियर द टॉप ऑफ द डैम टू डैमेज द डैम स्पिलवे एंड अदर स्ट्रक्चर्स। जो रिजर्वर लेवल से डाउनस्ट्रीम रिवर लेवल में जो पानी ओवरफ्लो कर रहा है उसमें जो स्टैटिक एनर्जी थी, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, नाउ दैट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। जो उसकी एनर्जी ड्यू टू इट्स मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि इट मे कॉज, जो उसकी वजह से जहाँ पे पानी नीचे डाउनस्ट्रीम बेड को मिल रहा है वहाँ पे ये स्काउरिंग करेगा। स्काउरिंग क्या हुआ, कॉन्स्टेंट रबिंग, लगातार पानी बह रहा है, लगातार पानी बह रहा है, तो वो उसके बेड पे अपना निशान छोड़ेगा, उसको इरोड करेगा, इरोजन होगी, ठीक है, रबिंग होगी। तो जो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्काउरिंग। तो जो नीचे जहाँ पे पानी जा करके डाउनस्ट्रीम बेड को मिलता है वहाँ पे नियर टो ऑफ द डैम, वो उसको टो ऑफ द डैम बोलते हैं हम लोग, टो ऑफ द डैम जहाँ पे डैम फाउंडेशन के साथ मिल रहा है और आगे डाउनस्ट्रीम वहाँ से शुरू होती है, वहाँ पे उसको डैमेज कर सकता है, स्पिलवे को इटसेल्फ ये डैमेज कर सकता है, या अदर कोई और स्ट्रक्चर हमने नज़दीक में बनाया तो उसको भी जो काइनेटिक एनर्जी इसकी है, हाई एनर्जी है, वो उसको डिस्टर्ब करेगी, तंग करेगी, परेशान करेगी, नुकसान करेगी। सो एट द डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ द डिस्चार्ज कैरियर वेयर फ्लो फ्रॉम द रिजर्वॉयर टू द डाउनस्ट्रीम रिवर लेवल मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाई वेलोसिटीज एनफ टू कॉज स्काउर इरोजन एंड सब्सिक्वेंट डैमेज टू द एडजस्टेड स्ट्रक्चर्स। यहाँ तक अ टर्मिनल स्ट्रक्चर यूजली इन द फॉर्म ऑफ स्टिलिंग बेसिन इज प्रोवाइडेड फॉर डिसिपेशन ऑफ रेजिडुअल एनर्जी। तो जो डिस्चार्ज कैरियर है उसके एंड पे जहाँ पे जाके वो नीचे डाउनस्ट्रीम रिवर को मिलता है डिस्चार्ज कैरियर का एंड डाउनस्ट्रीम मैन, वहाँ पे ये स्काउरिंग इरोजन जो इसकी वजह से जो रेजिडुअल एनर्जी रह जाती है, रेजिडुअल मीन्स के जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई हुई है, जो पानी में अभी भी है एनर्जी, जो अभी साउंड और फ्रिक्शन की वजह से अभी जो कंज्यूम नहीं हुई है, जो बाकी एनर्जी बच गई है, उसको अभी डिसिपेट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो इरोजन ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो कैसे होगी, कैसे होगी, बाय प्रोवाइडिंग अ टर्मिनल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे वो टर्मिनेट हो रहा है डिस्चार्ज करियर, टर्मिनल स्ट्रक्चर हम लोग प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ किस शेप में स्टिलिंग बेसिन, उस एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए जो है डिस्चार्ज करिए के बॉटम पे हम लोग स्टिलिंग बेसिन करते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग स्टिलिंग बेसिन पढ़ेंगे।
The excess kinetic energy can be dissipated by a hydraulic jump basin or the roller bucket or some other suitable energy dissipator or absorber. तो जो एनर्जी डिसिपेटर्स की देर आर फ्यू अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी डिसिपेटर्स जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी डिसिपेटर्स. ठीक है, तो जो एक्सेस काइनेटिक एनर्जी है वो हाइड्रोलिक जंप बेसिन जो क्रिएट करके वहाँ पे इसको कंज्यूम किया जाएगा. इन सम केसेस हाउएवर द ओवरफ्लोइंग वाटर मे बी डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द स्ट्रीम इफ द स्ट्रीम बेड कंसिस्ट्स ऑफ इरोजन रेजिस्टेंट बेड रॉक. तो हमें टर्मिनल स्ट्रक्चर को यूजली कई बार जरूरत नहीं पड़ती है अगर ओवरफ्लोइंग वाटर कहाँ पे जाके मिलता है, अगर स्ट्रीम बेड को हमने इरोजन रेजिस्टेंट बेड रॉक से बनाया हुआ है, बेड रॉक वहाँ पर स्टोन्स वगैरह जो एप्रन वगैरह अच्छी तरह से प्रोवाइड किए गए हैं. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू वेरी मच. टू कंटिन्यू लर्निंग प्लीज वॉच नेक्स्ट वीडियो इन द प्ले लिस्ट. Please subscribe my channel for more videos on civil engineering. Bye for now. Take care. God bless you. Thank you.